नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी जो वैकेंसीज़ हैं उसकी। काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि एमपीपीएससी बहुत ज़्यादा दिमाग में था कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो आज जब मैं अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, ये मैं बांधवगढ़ के रीजन में खड़ा हूँ, देखिए कितना बड़ा कितना सुंदर फॉरेस्ट है ना, और मेरा घूमने का हमेशा एक अच्छी शिक्षा रहती है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो वैकेंसी है उसका जो पूरा का पूरा, अब जो वहाँ के एक हमने एक अधिकारी जिनसे हमने बात की है, तो उससे पता चला कि लगभग नवंबर के मतलब नवंबर फर्स्ट वीक से नवंबर लास्ट वीक तक, मतलब नवंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा है। मुझे लगा यहाँ आया हूँ तो कुछ अच्छा सा काम कर लिया जाए और बात कर ली जाए यहाँ के ऑफिसर से। तो ये पता चला कि ये जो वैकेंसी है जो एमपीपीएससी के मध्य प्रदेश की, वो आएगी आपकी नवंबर में। तो अब आप सभी को करना ये है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा अब शुरू कर दीजिए। क्या होता है जब कोई वैकेंसी काफ़ी दिन से नहीं आती, तो होता यह है कि हमारे दिमाग पे एक नकारात्मकता आ जाती है, और उस नकारात्मकता की वजह से हम क्या है कि पढ़ाई करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं। वही चीज़ ही हमें ले डूबती है। करना हमें ये चाहिए कि अगर हमारे पास वक्त है अभी, ठीक है, और लग रहा है कि E3 के वैकेंसी थोड़े दिन बाद आएगी, तो हमें लगातार प्रिपरेशन करने चाहिए। मैं पहले भी बोला था कि आप सभी हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम को, स्टेट एग्ज़ाम्स को या किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम को, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को भरिए, फॉर्म भरिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरिए। उससे क्या होता है कि हमारी तैयारी कितनी फाइन है, कितनी धारदार है, उसकी हमें पूरी की पूरी तैयारी पता होती है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI वगैरह की जो भी वैकेंसीज वगैरह का भी जो ब्यौरा है, वो भी एक प्रकार से एक अपडेशन में है। क्योंकि अब इस चीज़ का ये है कि इस साल ख़त्म हो रहा है और पूरे साल में सरकार को एक जवाब भी देना है कि हमने इस पूरे साल में क्या वैकेंसी दी। तो अगर वो साल दिसंबर ख़त्म हो गया तो ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा जीरो मतलब ईयर्स चला जाएगा, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जीरो वैकेंसी ईयर जाए। तो PSC का हो या MPPSC वगैरह का या पुलिस का, तो आप याद रखें कि इस सब चीज़ों में अब आपका वक्त आ गया है कि आप इसकी अपनी तैयारी करें। तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना, चाहे जहां भी जिससे भी तैयारी करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो भी है, आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जिनको हमारे साथ जुड़ना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के, तो खासकर हमारे यहाँ चौहान अकेडमी में सारी की सारी क्लासेज होती हैं, ऑनलाइन क्लास होती हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी तैयारी को ढंग से बना सकते हैं, ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा आप सभी को कि आप अभी से जुड़ जाइए। ये एक ऐसा टाइम है जिस पे आपको खुद को प्रिपेयर करना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लगभग मोर देन 5 लाख ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस एग्जाम्स, सो डेफिनेटली दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। पर ये जो 5 to 7 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर जस्ट नंबर। एक्चुअली जो स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स, रियल एस्पिरेंट्स स्टूडेंट होती है, वो तो ये 20,000 to 50,000 बस, ठीक है, जो जिनसे आपको कंपटीशन होना है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ढंग से बनाएं और ढंग से रखें। और इसकी जो अपडेशन थी मैंने आपको बता दिया है कि नवंबर फर्स्ट वीक तो आपका चल ही रहा है, नवंबर लास्ट तक इसकी आने की पूरी संभावना है एज ऑफिशियर्स ऑफ मध्य प्रदेश PSC टोल्ड। जैसा कि उन्होंने कहा वैसा मैंने आपको बताया। अब बाकी भगवान जानता है, ब्रह्मा जानते हैं और खुदा जानता है कि कब होगा कब क्या नहीं होगा। बस हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ, जो एग्ज़ाम हो सकता है होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपना सभी ध्यान रखिए। मैं दिनेश चौहान आप सभी का हमेशा स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि आपका भविष्य जो हो उज्ज्वल हो और बहुत अच्छा बढ़े। और याद रखें यार, ठीक है, आपको जो लेना है वो लेना है, खत्म बात, देयर इज नो मैटर, ठीक है। किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कब आए कब ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कहे कोई ना कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साथ दे कोई ना दे, यू हैव टू डू दिस वन, राइट। एक स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा स्लोगन था, उसको याद रखें, उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें सफलता, कामयाबी, जो भी कहो, वो तुम्हें ना मिले। तो आज से एक लोगो लगा लो कि उठूंगा जागूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक सीट अपनी सिक्योर इस्ताल नहीं करूंगा, बस। तो ये एक जुनून चाहिए होता है कंपटीशन में। लगभग सबको, जो एक 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स होते हैं, सबको लगभग इक्वल होता है, वो टिका रहता अंतिम तक, वो व्यक्ति के अंदर एक जुनून होता है जिसको जिंदा रखता है, जुनून होता है जिसको फाइट करवाता है एक दो मार्क्स से, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत अच्छे टॉपर बच्चे देखे हैं जो कि फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे जिन्हें के मार्क्स कम थे लेकिन उन्होंने फिजिकल में इतना ज़बरदस्त दिखाया, एक एक सेकंड से इन और एक एक सेकंड से आउट होते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है, जब एक सेकंड से आप आउट हो जाते हैं, खासकर मत फिर से SI और कांस्टेबल, जब आपका चिप बेस पर आपका रनिंग होती है, आपके शूज़ में चिप लगी होती है जिसके द्वारा आपका आपकी रनिंग होती है, और एक सेकंड वहाँ काउंट होता है, ओके, डिस्क्वालीफाई, वहाँ पर धड़कन तेज होती है, ठीक है।
तो मैं आप सभी से यही कहूँगा और कि आप करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं, अपनी तैयारी को अच्छा करें, और वो तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप यकीनन आप उसको बहुत अच्छा फाइट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।